वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में ड्राइव को किस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ड्राइव को पार्टीशन करने के लिए तो यहाँ पर आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो पार्टीशन बना हुआ है पहले से। तो यहाँ पे ये सी है और ये डी है, तो मैं डी को जो है दो पार्टीशन में बदलना चाहता हूँ। तो इसे किस तरीके से आप पार्टीशन कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको दिस पीसी पर जाके राइट क्लिक करना है, देन आपको मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक विंडो दिख जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है, देन उसके बाद आपके सामने आपके हार्ड डिस्क का यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क जीरो में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडो सी, तो इसमें मेरा विंडो इंस्टॉल है। और यहाँ पर ये जो है डी फाइल न्यू वॉल्यूम डी, तो इसे मैं दो पार्टीशन में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है, तो इसे किस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सी और डी है, तो चलिए फ्रेंड्स डी को दो पार्टीशन में करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको फ्रेंड्स सिंक है वॉल्यूम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डिलीट पर करना नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपका इस डैम में पहले से डाटा है तो सिंक वॉल्यूम पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तब डिलीट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे इसमें मेरा डाटा नहीं है, फिर भी मैं सिंक वॉल्यूम पर क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे इसे मैं हाफ हाफ पार्टीशन कर देता हूँ, तो ये 800 कुछ जीबी का फाइल है, तो मैं इसे हाफ हाफ कर देता। तो यहाँ पर मैं 4:8 को काट के यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, और सिंक पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने एक नया पॉपअप खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनहाइडेड फोल्डर क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे अभी तक ये पार्टीशन क्रिएट होके नहीं आया है। तो अनलोकेट फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो इस पर आपको प्राइमरी इसको करना है। तो आपको जो है इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू द नाउ सिंपल वॉल्यूम विजार्ड, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करते रहना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद फाइनली आपको नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइव ऑटोमेटिक फॉर्मेट होके ये ड्राइव वहाँ पर आपको जो है शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू वॉल्यूम एफ क्रिएट हो चुका है। तो आपको चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसे मिनिमाइज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास सी और डी ड्राइव था और एक सी डी ड्राइव था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और नया ड्राइव जो है क्रिएट हो चुका है। तो इसी प्रकार आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।